हेलो दोस्तों, आज मैं एक बेहद गहन प्रश्न के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। इस प्लेनेट पे तकरीबन 650 करोड़ लोग रहते हैं और सभी लोगों का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि जीवन बेहद सुखी और आनंद के साथ कैसे जिया जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको बताता हूँ, मैं इंडिया के एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था, एक ज़मींदार परिवार से बिलोंग करता था और अभी मेरा 40 इयर्स का एज है और आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हेलीकॉप्टर है और मैं काफ़ी जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ इंडिया का। तो मैं जो अपने अनुभव इस वीडियो के द्वारा आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि हो सकता है किसी के मेरे अनुभव से फ़ायदा हो सकता है या जीवन में काम आ सकता है। मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था या कोई भी काम करता था, मैं सोचता था कि ये जब सब चीज़ें आ जाएगी तो मैं बेहद सुखी और बेहद आनंद से जीवन व्यतीत करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन के तीन आयाम हैं, तीन तल हैं। पहला तल होता है शरीर का तल। शरीर का तल तक ही पहुंच पाते हैं 650 करोड़ लोगों में से 550 करोड़ लोगों की यात्रा जीवन के तल पर ही ख़त्म हो जाती है। शरीर के तल का मतलब ये है कि शरीर की सभी ज़रूरतें पूरा हो, जैसे अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो, फ्रीडम हो, ट्रैवलिंग हो और आदमी आनंद के साथ रह सके। इस यात्रा को पूरा करने के लिए एक ही सूत्र है कि ध्यान और होश। यदि आप कोई भी कर्म ध्यान और होश के साथ करते हो तो उस काम में क्वालिटी आ जाएगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसा करने से आप शरीर तल की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। पर मैंने ये पाया कि जब इस तल की सब अचीवमेंट पूरी हो जाती है फिर भी आनंद या सुख आके रुक जाता है। फिर दूसरा तल आता है मन का तल। उसमें हर इंसान चाहता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, पद हो, मैं माननीय हूँ, तो फिर वो उसके चक्कर में लग जाता है। और इस तल को भी अच्छे से 50 करोड़ लोग ही पूरा कर पाते हैं और वो भी केवल होश और ध्यान के साथ किए गए काम से ही कर पाते हैं। यहाँ कर्म का जो होता है वो थोड़ा सा डाउन चले जाता है, यहाँ होश ध्यान की जरूरत पड़ती है। कोई भी होश या ध्यान से किया हुआ काम बेहद अच्छा रिजल्ट देता है और जल्दी वो पाते हैं कि मन का तल पूरा होने के बाद भी जिस आनंद के लिए वो भागदौड़ कर रहे थे, जो हर आदमी का स्वभाव है, यहाँ के भी दीवार खड़ी हो जाती है। फिर दो ही रास्ते बनते हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर आत्मा के तल की यात्रा शुरू करे। ये सबसे मुश्किल काम है और बेहद आनंद का काम भी यही है, सत्य का काम भी यही है। तो ये कर्म भी केवल ध्यान से ही हो सकता है। जब हम अपनी ध्यान से अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम जो हमारे विचार आते हैं मन में उनको हम एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों का ट्रैफिक और मन गिरने लग जाता है। जब मन गिरता है, विचार पूर्णतः गिर जाते हैं, तो जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है या जो हमारी आत्मा है
उसमें हम जब जीवन जीना शुरू करते हैं तो एक अलग ही टाइप की आनंद की खुमारी फूटती है, और जब हम उसका आभास होता है तो हमें शरीर के तल के, मन के तल के जो भी चीज़ें हैं बहुत बोनी लगने शुरू हो जाती है। और आप ऐसे जो इस तल पे जब आत्मा का सिंक्रोनाइजिंग पूरा एग्जिस्टेंस से, परमात्मा से हो जाता है, तो जो आपको आनंद आता है आपके शरीर पे भी नज़र आता है, आपके कर्म पे भी नज़र आता है, मन पे भी आता है, तो इतना आनंद आता है आपको। फिर आप इसको विभिन्न धर्मों ने, पीर पैगंबरों ने, गुरुओं ने, किसी ने इसको मोक्ष कहा है, किसी ने जैसे गुरु नानक जी ने खुमारी कहा है, तो यहाँ पहुँचने के, यहाँ तक बेहद कम लोग पहुँच पाते हैं। और जो यहाँ पहुँच पाते हैं और जो यहाँ आनंद मिलता है वही परम आनंद है, वही परमात्मा है, वही मोक्ष है। तो मेरा तो एक ही संदेश है जो मैंने अनुभव से जाना है, ना तो शरीर तल पे जो भी आनंद कभी नहीं आता वो सुख और दुख आएगा ही आएगा जो शरीर तल की यात्रा करेगा, मन के तल पे भी शरीर और सुख और दुख आएगा, पर आत्मा के तल पे जब आदमी आनंद को पा लेता है फिर ये आनंद छूटता नहीं है। और दोस्तों इस तक बेहद कम लोग पहुंच पाते हैं, ज़्यादातर लोग शरीर तल पे ही चले जाते हैं, बेहोशी से खाया पिया घूमे फिरे चले गए इस यात्रा, जीवन यात्रा को पूरी करके। कुछ लोग मन के तल पे चले जाते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। तो हमारा असली उद्देश्य है इस यात्रा को जरूर करना चाहिए और ये बेहद आसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी काम करो बेहद ध्यान के साथ करो, बेहद होश के साथ करो, ये दोनों चीज़ सभी तलों पे काम करता है और सभी पे रिजल्ट आता है। तो नमस्कार दोस्तों।